हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रीस आर्किटेक्चर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 20 फीट बाई 50 फीट प्लॉट साइज प्लानिंग के बारे में। फ्रेंड्स, अगर आपके लिए घर में बड़ा लॉबी चाहिए तो आप इस प्लानिंग को अपने घर के हिसाब से रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा 20 फीट बाई 45 फीट का प्लॉट साइज है। इस प्लॉट के 3 अदर साइड अदर लोगों की प्रॉपर्टी हैं, तो हमने इसका ग्राउंड फ्लोर प्लान तैयार किया हुआ है। तो इस तरफ ये हमारा रोड है, यहाँ से हमने 10 फीट का गेट दिया हुआ है जो कि कार के हिसाब से दिया है हमने। जैसे ही आप घर के अंदर एंट्री करते हैं तो आपके लिए कार पार्किंग का एरिया दिया हुआ है। ये जो कार पार्किंग का एरिया रहेगा 9 फीट बाई 18 फीट रहेगा, और इसी एरिया से हमने स्टेयर केस को फर्स्ट फ्लोर के लिए दिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ जो हमारा ये अप लिखा हुआ है, यहाँ से हमारा स्टेयर केस फर्स्ट फ्लोर के लिए अप करेगा। और बाहर हमने डिज़ाइन किया हुआ है एक कॉमन टॉयलेट 5x7 का, जो कि बाहरी गेस्ट के लिए प्लान किया हुआ है। जैसे ही आप यहाँ से घर के अंदर एंट्री करते हैं ग्राउंड फ्लोर पर, तो एक तरफ हमारा रहेगा लिविंग हॉल और एक तरफ रहेगा किचन। तो फ्रंट पर ये हमारा किचन है 9 फिट 1 इंच बाई 6 फिट का। ये हमारा गैस स्टोव है, इस तरफ हमारा सिंक है और ये है विंडो हमारा, तो इससे किचन का प्रॉपरली वेंटिलेशन होता रहेगा। बाहर यहाँ आपके लिए ये ओपन एरिया रहेगा, तो यहाँ आप अपनी बाइक भी खड़ी कर सकते हैं। यहाँ से आप इस तरफ, ये हमारा सिटिंग एरिया रहेगा और सामने वाली वॉल पर टीवी यूनिट, ये हमारा सेंटर टेबल रहेगा। लिविंग हॉल का साइज रहेगा 9 फिट 1 इंच बाई 22 फिट 8 इंच, काफ़ी बड़ा लिविंग हॉल है। इस तरफ ये डाइनिंग एरिया रहेगा। यहाँ से आप एंट्री करेंगे पहले बेडरूम में, इसका साइज रहेगा 9 फिट बाई 13 फिट। ये हमारा वार्डरोब रहेगा, ये बेड है, इस वॉल पर टीवी यूनिट है और इस तरफ ये हमारा विंडो है पार्किंग की साइड, तो इससे प्रॉपरली बेडरूम का वेंटिलेशन होता रहेगा। यहाँ से आप एंट्री करते हैं दूसरे बेडरूम में, तो इसका साइज रहेगा 9 फिट बाई 12 फिट 6 इंच। ये बेड है हमारा, ये टीवी यूनिट है और ये इस तरफ हमारा वार्डरोब है कपड़े वगैरह रखने के लिए, और यहाँ दिया है हमने विंडो वेंटिलेशन के लिए जो कि हमारा 4 फिट का विंडो रहेगा, तो इससे बेडरूम का प्रॉपर वेंटिलेशन होता रहेगा। यहाँ से आप जाएंगे इस तरफ, ये हमारा कॉमन टॉयलेट रहेगा 4 फिट बाई 7 फिट का, और ये रहेगा हमारा ओपन यूटिलिटी एरिया 4 फिट 8 इंच बाई 7 फिट का, तो यहाँ हमारा जाल रहेगा। तो इससे आपके लिए टॉयलेट का और ये इस वाले बेडरूम का और लॉबी का प्रॉपर वेंटिलेशन मिलेगा। तो फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी प्लानिंग है, उम्मीद करता हूँ आपके लिए प्लानिंग अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स, चैनल पर नए आए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए जिससे कि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके लिए मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।